हेलो, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका नाम क्या है, आपका उम्र क्या है? मेरा नाम मनोज महाजन है, मेरा उम्र 58 साल का है। एंड आपका सर्जरी हुआ है स्पाइन का, राइट? जी हाँ, जी हाँ। आपका सर्जरी किसने किया है और आपका डेट ऑफ सर्जरी क्या है? मेरा सर्जरी 18 में हुआ है, 18 में 2023 को हुआ है। ओके। और सर्जरी डॉक्टर प्रियांक पटेल और उनकी टीम ने किया है। सो सर्जरी के पहले आपका क्या क्या प्रॉब्लम था, सिम्टम्स क्या क्या थे आपको? सर्जरी के पहले तो मेरी हालत बड़ी खराब थी। पहले तो मेरे को दर्द चालू हुआ था जनवरी महीने से, वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि मैं पूरा बिस्तर पर आ गया था। मेरा राइट लेग पूरा जीरो हो गया था, न उठा सकता था मैं, न कुछ चल सकता था, न बिस्तर से उठ सकता था, बिना किसी सहारे के मैं मतलब जस्ट लाइक एक हैंडीकैप्ड हो गया था, ये समझिए एक पैर से मैं। उसके बाद में मेरी फैमिली ने डॉक्टर प्रियांक पटेल सर को कॉन्टेक्ट किया। ओके। एंड आपका जो राइट पैर है, हाँ, वो उठ नहीं पा रहा था, मतलब जिसको हम न्यूरोलॉजिकल वीकनेस बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। वो जो न्यूरोलॉजिकल वीकनेस था उस टाइम पे और आज के टाइम पे कैसा है? सर अभी तो मेरा जमीन आसमान का फर्क हो गया, अब तो मैं खुद अकेले चल सकता हूँ, मैं सीढ़ियां भी चढ़ लेता हूँ मैं। एंड आपका जो फुट था वो ऐसे उठ नहीं पा रहा था, मतलब जिसको हम एंकल डोर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसमें हम अपना फुट ऐसा ऊपर लेते हैं और नीचे करते हैं। जी हाँ। तो ये मूवमेंट आपका नहीं पॉसिबल था, अभी वो मूवमेंट कैसा है आपका? अभी तो उस टाइम फुट का मैंने उंगली और अंगूठे का भी मूवमेंट नहीं था, तो अभी तो मैं आसानी से अपना एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, चल भी रहा हूँ मैं बिना किसी सहारे के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इमरजेंसी में जो आपका फुट का रिकवरी हुआ है वो कैसा हुआ है? अभी तो परफेक्ट हो गया सर, पर थोड़ा सा भी तकलीफ मुझे है अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज था, तो जैसे सर ने बोला कि टाइम लगेगा, पर अभी चलने पे कोई तकलीफ नहीं मुझे, एकदम ओके करके। ओके। तो आपकी जो स्पाइन सर्जरी की जर्नी है, जी हाँ, उस जर्नी के बारे में आप कुछ ऐसा समराइज कर सकते हो? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब ही मुझे प्रॉब्लम चालू हुई थी, 2-3 महीने तक ट्रीटमेंट चलता रहा, इन बिटवीन ये हुआ कि मेरा पैर पूरा सुन्न हो गया, मैं बिस्तर पर आ गया, तो सजेस्ट किया था कि सर्जरी करना है, पर मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि सर्जरी कहाँ कराना है, क्योंकि मैं घर से चल के जा नहीं सकता बाहर, डॉक्टर तक पहुँचने के लिए मेरा मुश्किल काम था। तो उसमें हमने दो डॉक्टर्स को दिखाया भी, पर कहीं अच्छे से सोल्यूशन मिला नहीं। जब सर के पास मेरी डॉटर और वाइफ आए, तो उससे पहले सर ने बोला कि भरोसा दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे हो जाओगे, तकलीफ है पर अच्छे हो जाओगे करके, कि सर्जरी कराना जरूरी है इसके लिए। और सर के भरोसे पर हमने सर्जरी कराया और सर्जरी एकदम सक्सेसफुल रहा, आज मैं एकदम नॉर्मल हो गया हूँ मैं। ओके। एंड आपको जो सर ने जो जो बोला था कि आपका प्रोग्रेस कैसे कैसे होगा, उस हिसाब से आपका प्रोग्रेस हो रहा है या कुछ? बिल्कुल से, बिल्कुल सही हो रहा है प्रोग्रेस सर का। जिस दिन मेरा सर्जरी हुआ, सेकेंड डे ही मुझे चलने लगा दिया, मतलब मैं 18 को मेरा सर्जरी हुआ था, करीब दोपहर में हुआ था जब बाहर आया मैं, और सेकेंड डे में को सर ने जो है वार्ड में चलवाया भी था मेरे को, मैं चल रहा था बिना किसी पेन के, जितना भी पेन था मेरा सारा पेन खत्म हो गया था। ओके। चलने में कोई तकलीफ नहीं था, बस जो पैर में कमजोरी थी वही तकलीफ थी, जो धीरे धीरे अब ठीक हो रही है मेरी पैर, वो अब अच्छे चल रहा हूँ मैं। जी बोल रहे थे कि स्पाइन सर्जरी नहीं कराना चाहिए, ये जो डर था स्पाइन सर्जरी, हाँ, वो समझ आपके दिमाग में क्या लगा था? ये जो लोग इस पे अच्छे जागरूक नहीं थे, जिनका कभी स्पाइन सर्जरी से पालन नहीं पड़ा, कई लोगों ने सुन रखा था कि स्पाइन सर्जरी में करने के बाद पैर में तकलीफ हो जाती है, ये हो जाता है, मतलब कई चीज़ें सामने आई थी मेरे घर के। पर जब सर्जरी करने के बाद ये लगा कि ये सब गलत है, स्पाइन सर्जरी से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि जल्दी ट्रीटमेंट होता है। उल्टा मेरे केस में तो ये हुआ कि सर्जरी टाइम पे होने से आज मैं चल फिर रहा हूँ, अगर शायद लेट करता तो ज़्यादा स्थिति में नहीं भी होता मैं, ये भी हो सकता था। ओके। आपका जो एक्सपीरियंस है वो स्पाइन सर्जरी में बेहतर रहा है, जिसे आपसे आप डिस्क्राइब कर रहे हो। जी हाँ सर। सो आपको समाज को स्पाइन सर्जरी रिलेटेड क्या मैसेज देना है? सर मेरा तो ये कहना पड़ रहा है कि अगर आपको बहुत तकलीफ है, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं स्पाइन सर्जरी करने के लिए, तो जरूर करना चाहिए, पर यह ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत अच्छी जगह पर करवाएं, जहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स हों, ताकि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आए। दूसरा मैं ये भी बोलूँगा कि स्पाइन सर्जरी में बहुत बहुत एक दर्द होता है, पर मैं आपको बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि सर्जरी के बाद मैंने आज तक एक भी पेन किलर नहीं खाया है। ओके, दैट्स ग्रेट। जो 10 टेबलेट लिखा था सर ने कि जब जरूरत पड़े तो खा लेना, पर मैं एक भी टेबलेट उससे नहीं खाया हूँ, फिर उसके बाद मैंने ट्रेवलिंग भी किया है,
कोई 5-6 घंटे का ट्रेवलिंग भी किया है, 2-3 घंटे बाहर भी रहा हूँ मैं, 8-10 घंटे घर से बाहर भी एक दो बार बीच में रहा। मुझे लगा था कि मैं शायद तो आने पर टेबलेट लेना पड़ेगी, पर जरूरत नहीं पड़ा सर मुझे। ओके, आपने बहुत ही अच्छा जो आपका एक्सपीरियंस रहा है जो आपने शेयर किया है, जी हाँ। सो और कुछ आप बोलना चाहेंगे आपके स्पाइन सर्जरी रिलेटेड? सब ये कहूँगा कि जैसे भी कोई तकलीफ होती है तो सबसे पहले उसका सही समय पर ट्रीटमेंट चालू करवा देना चाहिए, और दूसरा कि अच्छी जगह इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जो मेरा इतना हालत खराब हुआ उसमें यही हुआ कि एक आध जगह कुछ गलत डिसीजन होने से इतना तकलीफ बढ़ गया था मेरा ये। इसलिए ये कोशिश करें कि अच्छी जगह पर सजेस्ट कराए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रियांकले सर के साथ ही आप असिस्टेंट रहे तो आपको रिजल्ट एकदम अच्छा मिलेगा। क्योंकि मुझे तो लोगों ने ये बोला था कि आप सोते कैसे हो, जब पीठ का सर्जरी हुआ था आप कैसे सोते हो, मैं तो बोला कि ओटी से बाहर आया तो पीठ के वही लेटा हुआ था करके, और मुझे लग भी नहीं था कि कोई मेरा सर्जरी हुआ है पीछे करके, एक पैसे का भी मेरे को उसमें कोई ऐसा लगा नहीं कि कोई सर्जरी हुआ है करके, और आज तक वही कंडीशन है। मुझे कुछ पता नहीं पड़ता कि सर्जरी हुआ है वहाँ पर या कोई दर्द हो रहा है या करवट लेने में दर्द हो रहा है, कुछ नहीं लगता था वहाँ पर। थैंक यू।